यू व्हाट्सअप गाइस। गाइस ऐसे कौन गाड़ी सुतरता है यार। सो गाइस हम आ चुका है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में कुछ न्यू वे चीट कोड लेके। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑटो का भी चीट कोड आ चुका है हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में। तो आज सबका चीट कोड मैं बताने वाला हूँ, यहाँ तक कि जो डायनासोर दिख रहा है सबका चीट कोड बताएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूंगा आपको पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा, तो मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। और हाँ, ऑल पे भी दबा लीजिएगा। तो अभी देख सकते हो जो भाई, लेकिन एक सेकेंड भाई, जो ऊपर नीचे हो रहा है भाई, सबका चीट कोड आज बताने वाले हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहना ना। तो ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देख सकते हैं भाई, उस सब चीट कोड यहाँ पे ला चुके हैं। लेकिन एक सेकेंड भाई, फिर से आज मतलब गिर ही पे हैं यार, इतना गिर चुके हैं कि मैं वापस फिर से ऊपर उठ रहा हूँ, गिर भी रहा हूँ। ऐसे आखिर कौन करता है यार। तो कोई बात ना गाइस, चलते हैं सीधे आपके चीट कोड के दुनिया में लेके। तो अभी देख सकते हैं, मैंने एक आम पे कॉल किया तो मेरे सामने बहुत बड़ा डायनासोर आ चुका है। फिर से मैं 50 पे कॉल करेंगे तो छोटा वाला डायनासोर आ जाएगा यार। तो फिर से चलते हैं और भी बताते हैं नेक्स्ट चीट कोड, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, 53 पे आप कॉल करेंगे तो बहुत बड़ा गाना डायनासोर आ जाएगा यार। गलत मत सोचो, डायनासोर आएगा। लेकिन गाइस कितना बड़ा बड़ा डायनासोर आ रहा है भाई, मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता, मतलब विश्वास नहीं कर सकता क्या इतना बड़ा भी डायनासोर आ सकता है। बट जो ये ऊपर नीचे हो रहा था, चलिए आप उसका भी चीट कोड बताते हैं। C1 से लेके C8 तक नहीं आएगा। तो आएगा कैसे? C1 से लेके C7 से लेके, मतलब C1 से लेके C7, 8, 9 तक आ जाएगा। मतलब कुछ मेरे की तरफ से यहाँ पे तो आ रहा है। लेकिन एक सेकेंड भाई, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, मेरे डायनासोर तो कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। बट भाई गाइस, मैं ग्लिच किया हूँ। ग्लिच का मतलब कैसे कर सकते हैं? 71-12 पे कॉल करेंगे तो आपके सामने बहुत बड़ा ग्लिच हो जाएगा, ठीक है। और 91-29 से कॉल करेंगे तो आपके सामने भी ग्लिच हो जाएगा। तो चलिए आपको सीधे बताते हैं ऑटो का चीट कोड आप कैसे ले सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अंधेला कर लेना। पहले नहीं, अंधेला का चीट कोड बता रहे हैं यार, कैसा होगा? फिर से आप सुबह कर सकते हैं, फिर से 9 पे कॉल करके, ठीक है। तो चलिए फिर से हम अपने 9 पे कॉल करते हैं, यहाँ पर सुबह हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं ऑटो का चीट कोड कैसे ले सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, आपको 83 और 70 पे कॉल करेंगे तो आपके सामने ऑटो आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो रुको रुको भाई, अभी जाओ ट्राई मत करने, मत जाओ ट्राई करने के लिए, पहले वीडियो तो एंड तक देख लो भाई। और भी चीट कोड बताने वाले हैं, खतरनाक खतरनाक चीट कोड बताने वाले हैं। लास्ट वाला चीट कोड सबसे खतरनाक, सबसे हैवी है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए आपको बताते हैं ऑटो से एक ऐसा ग्लिच करके बताएंगे जो कोई नहीं बताता है, बट मैं बताऊंगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहले आपको पानी में आ जाना है। पानी में आते के साथ आपको ऑटो से उतर जाना है। ऑटो को उतरने के बाद भाई थोड़ा सा इधर उधर तैर लेना, ठीक है। तैरने के बाद सबसे पहले आपको ऑटो में जाकर बैठ जाना है, कुछ इस प्रकार से बैठ जाना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऑटो चलाते हैं। ऑटो चला रहा हूँ, लेकिन एक सेकेंड भाई, मेरा करेक्टर कैसा ऑटो चला रहा है? कुछ अलग प्रकार से मेरा ऑटो चला रहा है, मतलब करेक्टर कुछ अलग प्रकार से चला रहा है। ऐसे भी कौन होता था यार, सबसे पहले इसे उतरते हैं, ठीक है, इसे उतरते हैं और क्या मेरे साथ सीन होता है। ओ भाई, मैं तो स्पाइडरमैन बन चुका हूँ भाई, यहाँ पे पानी के जैसा तैर रहा हूँ, लेकिन पानी यहाँ पे है नहीं, फिर भी मैं तैर रहा हूँ। ऐसा भी होता है यार, सब कुछ होगा, बस आप लोग एंड तक बने रहना, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस कार वाले के पास जाते हैं। ओ भाई ये रुक जा यार, रुक जा भाई, यहाँ पे इसने तो रोका बट उतरने का नाम ही ले। लेकिन कोई बात ना गाइस, मैं इसे उतार करूँगा। निकल साले, पहली फुर्सत में निकल घास, यहाँ पे तो ये तो उतर चुका। लेकिन एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले इसे वो हम उतरने की कोशिश करते हैं, क्या गाड़ी हमको बढ़िया सुधर। लेकिन एक सेकेंड भाई, इसने तो हमको उठा के बजा दिया यार, ऐसे भी कौन करता है यार। इतना भी बेइज्जती मत किया करो, ठीक है, इतना भी बेइज्जती मत, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे स्पाइडरमैन तो बन चुका है। और गाइस चलते हैं इस लोकेशन पे, आपको ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, सबसे पहले चलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे लेके। चलिए सबसे पहले जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो गाइस यहाँ पे तो आप लोग तो कभी न कभी आते होंगे और इस दरवाजे में आप अटक जाएंगे, लेकिन वापस से नहीं निकल सकते, ये तो बात रियल है। तो मतलब गाइस यहाँ पे ऐसा हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट यहाँ से हम नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि एक ग्लिच हो चुका है मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए आपको फिर से चलते हैं आपको दूसरा लोकेशन पे लेके। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो आ चुके हैं भाई, फिर से दोबारा वही लोकेशन पे आए, क्योंकि इस लोकेशन पे आपको बताएं जोम्बी का चीट कोड बताने वाले हैं, ठीक है। राइट सुने, जोम्बी का चीट कोड। तो सबसे पहले 71-12 पे आपको कॉल करना है। 71-12 पे कॉल करने के बाद 20 और 30 पे कॉल करेंगे तो आपके सामने बहुत सा जोम्बी आ जाएगा आपके अटैक करने के लिए, आप पे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले सारे जोम्बी को मार देना, अभी नहीं मारना, सबसे पहले घोड़ा मंगा लेते, ठीक है। घोड़ा से भी आपको ऐसा ग्लिच करके बताएंगे जो शायद कोई नहीं बताता होगा, ठीक है। घोड़ा से हम आसानी से हवा में उड़ सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। चलिए सबसे पहले आपको घोड़ा का हवा में उड़ा के बताते हैं, मतलब इधर उधर बहुत सा हम कुछ कर सकते हैं, बस इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं तो आसानी से घोड़ा से भी उड़ पा रहा हूँ, कुछ आसानी से। यहाँ पर देख सकते हैं
घोड़ा सु मतलब घोड़ा पे उड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे उड़ सकते हैं, 71-12 पे कॉल करेंगे, उसके बाद आप तो आसानी से घोड़ मतलब उड़ पाएंगे, ठीक है, कुछ मेरे प्रकार से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तो सबसे पहले जब भाई ट्रेन पे हम चल भी सकते हैं यार, ट्रेन पे ट्रेन के ऊपर भी हम चल सकते हैं, तो राइट बात है। इसी बात पर लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दो। तो भाई सबसे पहले फिर से हम दोबारा ट्रेन पर चलने की कोशिश करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं तो आसानी से मतलब चल भी पा रहा हूँ, इसलिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दो, छोटे भाई समझ के लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दो यार, प्लीज़। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट आप लोग का सपोर्ट प्यार नहीं आ रहा है, तो अब वीडियो बनाने का मेरे को मन भी नहीं करता है, मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप लोग सपोर्ट हमें नहीं करते, इसलिए मेरे को मन नहीं करता वीडियो बनाने का। लेकिन एक सेकेंड भाई, ज़ॉम्बियों ने तो मेरे को ऊपर से घेर लिया यार, और फिर से वापस मतलब जाने की कोशिश करे, फिर से आ गया, मतलब यहाँ पे दावत खाने के लिए आए कि यार बीचे बीच मेरे को घेर लिया भाई। ऐसा मतलब ऐसा भी कोई करता है यार ज़ॉम्बी भी? गाइस बताओ यार ऐसा कौन आके करता है। तो कोई बात ना गाइस, चलते हैं सबसे पहले नेक्स्ट लोकेशन पे। लेकिन एक सेकंड भाई, मैं तो ऊपर से गिरा, और कहाँ के अटक गया भाई, इसने तो मेरे को मार रहा है। सबसे पहले भाई यहाँ पे बचने की कोशिश मेरे को तो कैसे भी करना पड़ेगा, फिर से मेरे को पटक दिया मतलब ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। तो कोई बात ना गाइस, यहाँ पे तो आसानी से मैं मरने ही वाला, शायद मेरे को मार देगा क्योंकि मेरे पास तो HP बहुत है, लाल हो चुका, ठीक है। सबसे पहले बम ब्लास्ट करते हैं गाइस, इस समय हम यहाँ पे मर चुके हैं गाइस। सबसे पहले चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो इस लोकेशन पे आ चुके हैं, यहाँ पे तीन कार मेरे सामने जो दिख रहा है। तो क्या भाई तीनों कार में से कौन कार यहाँ पे विजेता होगा, मतलब जीत पाएगा? सबसे पहले जो भी कार नीचे सही सलामत जाएगा वो विनिंग होगा, मतलब जीत जाएगा। तो क्या लगता है तीनों कार में से कौन कार जीत पाएगा? अगर जो मतलब कोई भी कार जीत गया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं जीता तो भाई तब पर भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्या लगता है? ठीक है, तो जा रहा है लंबी ग्रीनी भाई, क्या ये आसानी से पार कर पाएगा या नहीं? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका तो पुर्जा जो यहीं पे मतलब इसको टूटने लगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे तो हार ही रहा है अब मेरे को लग रहा है। वाह भाई गया, तो भाई इसका पुर्जा जो भी भाई नीचे टूट चुका है। और यहाँ पे दूसरा लोकेशन पे चलते हैं, मतलब दूसरा कार से चलते हैं, ठीक है। इसको भी कलर रेडिंग कर देते हैं। तो क्या ये जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, हमको क्या ना, हमको तो कुछ नहीं पता, बस आप लोग कमेंट करके बताना कौन जीतेगा या नहीं जीतेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जाते हैं ये जो प्रकाश से जा रहा है, मेरे को तो लग रहा है कि ये जीत जाएगा, विनिंग हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, ये भी नहीं जीत पा रहा है। मतलब गाइस कौन जीत पाएगा या कौन नहीं जीतेगा, आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। ओ भाई इसमें से कोई भी नहीं जीता, पहला वाला जीतेगा या दूसरा वाला जीतेगा या तीसरा वाला जीतेगा, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या ये जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। मुझे तो पता नहीं है, बस इस वीडियो में बने रहेंगे, उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कौन विनिंग होगा कौन विनिंग नहीं होगा। तो ये तो चल पड़ रहा मतलब जा रहा है, लेकिन देखते हैं कौन जीता या कौन नहीं जीत पाता है। तो लेकिन एक सेकेंड है, तो भाई ये तो जा रहा है, बस देखते हैं कौन जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है कि कौन जीत पाएगा कौन नहीं। इसी के साथ भाई यहाँ पे देख सकते हैं तो आसानी से नीचे जा भी रहा है, मतलब देखते हैं कौन विनिंग होता है। हमको तो लग रहा मतलब आप कमेंट करके बताओ यार, मतलब आप कमेंट करके बताओ यहाँ पे कौन जीता कौन नहीं जीता। अगर चारों में से मतलब तीनों में से कौन भी कार जीता, वन वाला जीता या टू वाला जीता या थ्री वाला जीता, आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं उसी को विजेता मान लूँगा, उसी को मैं अवार्ड दूंगा, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।